हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं आज से रसायन विज्ञान के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान को ख़त्म कर चुके हैं, जितने भी चैप्टर थे उन सभी को देख चुके हैं। और हम लोग बायोलॉजी से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 1100 के करीब थे, वो भी ख़त्म कर चुके हैं। तो याद रखिए, ये सभी जितने भी बायोलॉजी से संबंधित ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन वो लेक्चर बने हुए हैं, वो सभी आप लोगों को एक जगह मिल जाएंगे। वो हमारी जनरल साइंस के नाम से प्ले लिस्ट में सूची बनी हुई है, उसी में पड़े हुए हैं। मुझे लगता है जहाँ तक कि अगर आप लोग 1100 वो क्वेश्चन लगा लेते हैं और बायोलॉजी के जो चैप्टर हम लोगों ने डिटेल में पढ़े थे, अगर उन्हें भी पढ़ लेते हो, तो उससे बाहर कोई भी एग्जाम हो आपका, क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। ठीक, क्योंकि बहुत काफ़ी मटेरियल है उतना। ठीक है, चलिए इसमें बात करते हैं हम लोग जीव विज्ञान के बारे में। ठीक है, विषय सूची देखते हैं। याद रखिए, ये लेक विज्ञान जीव विज्ञान जो मतलब बायोलॉजी के जो लेक्चर पढ़े हुए हैं, जनरल साइंस के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है, उसी में हम आपको ये लेक्चर भी जितने बनेंगे रसायन विज्ञान से संबंधित, केमिस्ट्री से, वो भी इसी में डाल देंगे हम लोग। ठीक, तो ये एक ही जगह आपको तीनों सब्जेक्ट मिल जाएंगे, बायोलॉजी, रासायनिक, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, बहुत की। तो चलिए इसमें बात करेंगे हम लोग बायोलॉजी रसायन विज्ञान में। पहला चैप्टर होगा हमारा पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन। फिर दूसरा लेक्चर होगा पर्यावरण परमाणु संरचना। तीसरा लेक्चर होगा रेडियो धर्मिता। फिर आगे बात करेंगे समस्थानिक, संभारी तथा सम न्यूटोनिक। फिर होगा अम्ल, भस्म तथा लवण। फिर होगा उसके बाद गैसों के गुण होंगे। फिर होगा रासायनिक बंधन। फिर बात करेंगे ऑक्सीकरण व अवकरण। फिर बात करेंगे उत्प्रेरण। फिर बात करेंगे ईंधन के बारे में। ईंधन के बाद बात करेंगे तत्वों का आवर्ती सारण वर्गीकरण। फिर बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। फिर देखेंगे कुछ प्रमुख धातुएं और उनके भौगोलिक यौगिक। फिर बात करेंगे अधातुएं और उनके यौगिक। फिर बात करेंगे मानव निर्मित पदार्थ। फिर देखेंगे विलयन। फिर बात करेंगे पर्यावरण रसायन। फिर बात करेंगे हम लोग रासायनिक वियोजन। फिर देखेंगे विभेद। और फिर बात करेंगे लास्ट में हम लोग रसायन विज्ञान का सार संग्रह। ठीक है, तो इतना हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, रसायन विज्ञान में इतने सब टॉपिक होंगे हमारे। ठीक है, चलिए तो आगे से हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर से पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन। संगठन याद रखिए, ये सभी लेक्चर जितने भी बनेंगे इससे संबंधित रसायन विज्ञान से, ये भी आपको जनरल साइंस के नाम से जो सूची बनी हुई है उसी में डले रहेंगे। ठीक है, याद रखना।